नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने असम में चल रही अपनी भारत जोड़ो न्यायात्रा के दौरान बुधवार को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेले नहीं लड़ती है, भाजपा के सबसे बड़े पार्टनर अजमल हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के का एक पहलू मोदी, अमित शाह और आपके सीएम हैं। सिक्के का दूसरा पहलू अजमल हैं। असम के सीएम जो भी कहते हैं वो अजमल करते हैं। उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस पार्टी सिर्फ भाजपा से ही नहीं, उनकी बी टीम अजमल के खिलाफ भी लड़ रही है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा ने यहाँ जो नफरत की गंध फैला रखी है, हम उसे श्री श्री शंकर देव जी के रास्ते पर चलकर मोहब्बत से मिटाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज असम में अंतिम दिन हो गया। असम में इस यात्रा को कई सारी रुकावटों का सामना राज्य की भाजपा सरकार से करना पड़ा। वहीं असम पुलिस द्वारा राहुल गांधी और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज मामला अब सीआईडी को सौंप दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प के बाद ये केस दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को राहुल को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने शुक्रवार को कहा, उन्हें एफआईआर दर्ज करने दें, हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। उन्हें देश को धर्म और भाषा के आधार पर बांटने दें, हम अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ देश को एक साथ लाएंगे। वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और उनसे ही ये सब करने की उम्मीद की जाती है। बता दें, हेमंत ने कहा था वो लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा या पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई है। यात्रा ने असम से होते हुए कूच बिहार के जरिए पश्चिम बंगाल में एंट्री की है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल एक मजबूत किला है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और ये दल इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी भी है। हालांकि कांग्रेस और टीएमसी के बीच बंगाल सीट बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। ऐसे में इस लिहाज से भी राहुल गांधी की यात्रा पर विशेष नजर रहेगी। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने देश भर में अन्याय से लड़ने की में विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यात्रा के साथ न्याय शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि देश भर में अन्याय का बोलबाला है। इंडिया ब्लॉक पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। बता दें, इंडिया गठबंधन में विश्वास जताने वाली राहुल गांधी की ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेले लड़ने के ममता बनर्जी के फैसले के एक दिन बाद आई है, जिससे विपक्षी गुट में हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम यूपी के बुलंदशहर की रैली में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार 25 जनवरी को अभियान की शुरुआत करेंगे। ये रैली अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद हो रही है, इसलिए इसके पीछे राजनीतिक मकसदों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि भाजपा इसे आस्था और विकास का संगम बता रही है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव चंद महीने में होने वाले हैं तो ये संगम कुल मिलाकर राजनीति का ही संगम है। ये बात यूपी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अब जाहिर कर दी है कि 15 दिनों से इस रैली की तैयारी हो रही थी, लेकिन मीडिया को बुधवार को ही इसकी जानकारी दी गई। कांग्रेस ने गुरुवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव में वीवीपैट के अधिक उपयोग की मांग पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलने से इनकार करने पर चुनाव आयोग की आलोचना की और इसे अन्याय बताया जो लोकतंत्र की नींव पर हमला करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि नेशनल वोटर्स डे अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता का प्रयोग करके अपने भाग्य का निर्धारण करने की लोगों की शक्ति की पुष्टि करता है। एक्स पर एक पोस्ट में जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के द्वारा इंडिया गठबंधन से मिलने से मना करने पर कहा है, ये दुख की बात है कि यह स्वतंत्र संस्थान इंडिया ब्लॉक से संबंधित नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर रहा है जो केवल मतदाताओं द्वारा वोट डालने पर वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर अपनी बात रखना चाहते हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर से बवाल होना शुरू हो गया है। आरक्षण की मांग के लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हजारों की संख्या में लोग मुंबई को कूच कर रहे हैं। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे जालना से मुंबई तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं। मार्च पुणे पहुंच गया था, इसके बाद अब मुंबई पहुंचने वाला है। मनोज जारंगे ने कहा है कि उनकी ये रैली गणतंत्र दिवस के दिन मुंबई पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा है, अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती है तो वो मुंबई में भूख हड़ताल करेंगे। बता दें, पुणे में जो मराठा आंदोलन में भीड़ दिखी है उससे लगने लगा है कि मुंबई में बवाल होने वाला है। वहीं दूसरी ओर ओबीसी समाज सरकार को चेतावनी दे रहा है कि गलती से भी सरकार ने मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया तो 400 जातियां सड़क पर उतर जाएंगी।
वहीं अदालत ने जरांगे और पुलिस को नोटिस थमा दिया है कि मुंबई की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भगवान राम भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन हमारा समाज आज पूरी तरह बटा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही थी। केजरीवाल ने कहा कि देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, लेकिन 4 ट्रिलियन अगर एक आदमी के पास हो और 140 करोड़ के पास सिर्फ 1 ट्रिलियन ही हो तो इस विकास का क्या मतलब होगा। 75 सालों में गरीब और गरीब होता गया और अमीर होता गया है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दूसरे दिन भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बुधवार को श्री राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए। वहीं पहले दिन 23 जनवरी को जब ये मंदिर पहली बार आम लोगों के लिए खोला गया तो यहां 3.17 करोड़ रुपए का दान मिला। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने बताया कि प्रतिष्ठा समारोह के बाद दूसरे दिन बुधवार को रात 10 बजे तक 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए। वहीं पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ठाणे जिले के हैडेरी चौक में 15 अवैध निर्माणों पर एक्शन के बाद अब मीरा भयंदर नगर निगम ने मुंबई में भी कार्रवाई की है। बीएमसी की यह कार्रवाई बिना जानकारी दिए दक्षिण मुंबई के मुस्लिम बहुल मोहम्मद अली रोड इलाके में की गई है। बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, जहां कार्रवाई की गई है ये स्टॉल अस्थायी निर्माण है और कानूनी नहीं है, इसलिए हमने इन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया और बुधवार को सीधी कार्रवाई की है। बता दें, अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले रैली के दौरान मीरा भयंदर इलाके में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि एक समुदाय के लोग रैली निकाल रहे थे और इस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों से उनकी बहस हुई और हिंसा भड़क गई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। मालदीव के 2 विपक्षी पार्टियों के मुख्य नेताओं ने भारत को सबसे लंबे समय का साथी बताते हुए मौजूदा सरकार के भारत विरोधी रुख पर चिंता जताई है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों का भारत के लिए खुला समर्थन ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले नई मालदीव सरकार ने हिंद महासागर में चीन के रिसर्च और सर्वे वाली जहाज को मालदीव के पोर्ट पर डॉक करने की अनुमति दी है। मालदीव की सरकार का यह चीन की जहाज को डॉक करने की इजाजत देने का यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार भारत विरोधी रुख अपना रही है। MDP और डेमोक्रेट दोनों का मानना है कि विकास के भागीदार और खासकर देश के सबसे पुरानी सहयोगी को अलग करना देश के दीर्घकालिक विकास के लिए बुरा साबित होगा। देश की सरकार को मालदीव के लोगों के फायदे और विकास के लिए सभी भागीदारों के साथ काम करना चाहिए, जैसा कि मालदीव पारंपरिक रूप से करता आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस साल गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे। गुरुवार को वो 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे और जयपुर से इस दौरे का आगाज करेंगे। गुरुवार को शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर में स्वागत करेंगे और उन्हें आमेर किला, जंतर मंतर जैसी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जगहों पर लेकर जाएंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि वो रियाद में गैर मुस्लिम प्रवासियों के चुनिंदा समूह को शराब बेचने के लिए एक दुकान खोलेगा। 70 साल में ये पहली बार होगा जब सऊदी अरब में शराब बिकेगी। रियाद में शराब की दुकान के ग्राहक सीमित डिप्लोमेटिक स्टाफ होंगे। ये डिप्लोमेटिक स्टाफ सालों से सील बंद आधिकारिक पैकेज आयात करते रहे हैं। इसे डिप्लोमेटिक पाउच कहा जाता है। सऊदी के अधिकारियों का कहना है ये दुकान शराब के अवैध व्यापार को रोकेगी। सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध 1952 से है। तब किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेतों के बीच आज यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में कारोबार करते देखा गया। IT और बैंकिंग सेक्टर में गिरावट के चलते शेयर बाजार का सेंटीमेंट खराब हो गया है। सेंसेक्स 600 अंक की गिरावट के साथ 70,500 के नीचे कारोबार करता दिख रहा है। निफ्टी 150 अंक गिरकर 21,300 के लेवल पर फिसल गया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने चेक गणराज्य के टेनिस खिलाड़ी टॉमस मखाज और चीन के जैंग जिजेन को सेमीफाइनल मुकाबले में हरा दिया है। 3 मैच के सेट में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने टॉमस मखाज और जैंग जिजेन को 6-6, 3-6 और 7-6, 10-7 से हराया।
इससे पहले जब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, तभी वो मेंस डबल्स की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर वन बन गए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत आज से हो गई है। 5 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। इंग्लैंड की टीम की कप्तानी वेन स्टोक्स के पास है, जबकि भारत की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।